कौन, लेने वाला कौन, मारने वाला कौन, अल्लाह के ऊपर यकीन और एतमाद खत्म हो गया है। फिर भी हम कहते हैं कि हम मोमिन हैं, हम तौहीद वाले हैं। तौहीद वाले ऐसे नहीं होते हैं, वो अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करने वाले होते हैं। आपको कोई कहेंगे बीमार पड़ते हैं तो दवाई क्यों करते हैं, कागज इसलिए लटकाते हैं ताकि इसमें कुरान की बातें हदीस की बातें है, होता नहीं। लेकिन लोग कहते हैं तावीज के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कन्फर्म मौजूद है, मन तअल्लक तमीम कन फकत अशरक, के जिसने तावीज लटका उसने शिर्क किया, और जो तावीज लटकाता है उस तावीज के हवाला कर दिया जाता है कि तुमने तावीज को शिफा समझा, तुमने तावीज के ऊपर भरोसा किया, जाओ तावीज हित में, ये डोर हित में, ये धागा हित में शिफा दे। लेकिन बीमारी के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दिया है, मांजाल्लाहु दाउन इल्ला दुआन, चाहे हमारी रिसर्च हो सके ना या हो ना सके, हमारी पहुंच वहां तक हो सके या ना हो सके, कोरोना वायरस आया है, अभी तक इंजीनियर की इंजीनियर है फेल, डॉक्टर की डॉक्टर ये फेल, दवाई अभी तक बन के तैयार नहीं है, लेकिन अल्लाह ने दवाई पैदा करके आज से कई साल पहले जब दुनिया का वजूद आया है उसी दिन से दवाई भी आ गई है। लेकिन आज चैलेंज करने वाले जो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, अपने आप को इंजीनियर कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने है छे, अल्लाह ने फरमाया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी पर फरमाया था मा अंज़ल्लाहु दाउन इल्ला दुआन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बीमारी नाजिल की है, बीमारी अल्लाह ने नाजिल की है, साथ ही साथ दवाई भी नाजिल की है, हमारी पहुंच वहां तक ना हो सके और बात है, लेकिन दवाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया है, नबी ने हुक्म दिया कि बीमार पड़ो, बीमार पड़ो तो दवाई कराओ, इसका हुक्म है। लेकिन तावीज के बारे में रद्द है। हाँ, अगर आप बीमार पड़ जाए, आपका सर दर्द करने लगा, आप बुखार से मुबतला है, मुअज्जिन पढ़ लो, सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ लो, बहुत सारी आयतें हैं, उनको इख्तियार करके आप अपने ऊपर दम कर लो, और अगर आपको दम करने नहीं आता तो दूसरों से पढ़वा लो, ये मौजूद है। लेकिन तावीज लगाना मौजूद नहीं है, बेशुमार खराबियां और बुराज हमारे माशरे में है। अगर माशरे को बदलना चाहते हो, माशरे में इंकलाब पैदा करना चाहते हो, तो खुद बदलना होगा, खुद आगे बढ़ना होगा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद आएगी। इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यंसुरकुम, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, तुम अल्लाह ताला की मदद नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को एक और नेक बना, अल्लाह ताला हमारे माशरे को साले और पाकीज़ा माशरा बना, अल्लाह ताला हमारे माशरे में इल्म दीन से मुज़य्यन अता फरमा, अल्लाह ताला हमें जो बीमार मिलो शिफाए कामिला आजला दायमा मुस्तकर अता फरमा, परवरदिगार जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह ताला उनके कब्रों को नूर से भर दे, अल्लाह ताला जो जिंदा है हाजिर हैं अल्लाह ताला ने ईमान और इस्लाम पर कायम रखे, और जब भी जहाँ पर भी खात्मा हो अल्लाह ईमान और इस्लाम पर खात्मा करे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।